ये लगा आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट, और माइनक्राफ्ट के अंदर मैं फिर से आ चुका अपने सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर। तो जैसे कि आपको पता ही है कि लास्ट वाली वीडियो में मैंने यहाँ पे इंटेंडिंग टेबल बनाया था, लेकिन गाइस इंटेंडिंग टेबल को मैंने यहाँ पे बाहर ही रख दिया था। और गाइस आज का शॉर्ट आउट जाते हैं कांजी को, और गाइस अगर आपको भी शॉर्ट आउट चाहिए तो जल्दी से एक बड़े से कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको शॉर्ट आउट मिल जाएगा। चलो भाई। और इसके साथ मैंने ये जो बुक शेल्फ होता है ना, तो इसके साइड साइड में लगते इसका इंटेलिजेंसी बढ़ जाते, जिससे वो मैंने नहीं बनाया था। तो इस वाले वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि वो बनाते हैं। तो देखो गाइस मैंने यहाँ पे खेती कर दिया है पूरा शुगर केन का, और शुगर केन का गाइस मैंने यहाँ पे पॉकेट में देखो गाइस कितना सारा शुगर केन से मैंने यहाँ पे पेपर बना लिया, और साथ ही साथ यहाँ पे भी बहुत सारा शुगर केन है। तो मुझे लग रहा है कि आज तो बुक शेल्फ पूरा बन ही जाएगा। लगभग गाइस 15 बुक शेल्फ चाहिए, 15 से तो पूरा हो जाएगा। और ये देखो गाइस मेरे यहाँ पे कुत्ता भी है, कुत्ता मैंने यहाँ पे 60 रखा है, एक कुत्ता ऊपर है बेडरूम में और एक कुत्ता मेरे साथ है गाइस। तो फिर गाइस यहाँ पे मैंने बहुत सारा लेदर भी कलेक्ट करके रखा है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं 46 लेदर है गाइस मेरे पास। और लेदर मैंने इसलिए कलेक्ट किया है ना गाइस, क्योंकि बुक शेल्फ बनाने के लिए चाहिए बुक, और बुक बनाने के लिए चाहिए लेदर। तो लेदर से बुक बन जाएगा, लेदर के साथ साथ हमें पेपर भी चाहिए होगा। तो देख सकते हैं गाइस बुक का यहाँ पे रेसिपी ये है। तो हमें गाइस 3 पेपर चाहिए और एक लेदर चाहिए, जिससे हम एक बुक बना सकते हैं। और गाइस एक बुक शेल्फ बनाने के लिए 3 बुक चाहिए। तो यहाँ पे जितना भी बुक बन सकते हैं मैं बना लेता हूँ, जल्दी से बना लेते हैं गाइस। और भाई पेपर का कमी हो रहा है, तो पेपर तो हमारे पास बहुत होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे चेस्ट में देख लेते हैं पेपर है कि नहीं, होना तो चाहिए, थोड़ा बहुत पेपर तो होना चाहिए, रखा होना चाहिए कहीं पे। हाँ ये क्या 6 पेपर यहाँ पे है। और गाइस बाहर चल के शुगर केन को जल्दी से उखाड़ते हैं, और उखाड़ के पेपर लेना है हमें। तो जितना भी शुगर केन था गाइस सबको मैंने तोड़ दिया, और भाई शुगर केन मेरे पास शायद 2 स्टैक हो गया होगा, देखते कितना हुआ है, 2 नहीं 1.5 स्टैक हुआ है, 1.5 स्टैक लगभग 1.5 स्टैक। तो फिर जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल पर चलते हैं, और जल्दी से यहाँ पे पेपर बनाते हैं, और अब बुक बनाते हैं। तो 45 बुक मैंने यहाँ पे बना लिए, और 45 से गाइस 15 यहाँ पे बुक शेल्फ बन जाएगा। तो जल्दी से वुड को लेते हैं, और वुड होने से हमारा बुक शेल्फ यहाँ पे बन जाएगा। हाँ तो यहाँ पे बन रहा है। तो चलो गाइस 15 बुक शेल्फ हमारे यहाँ पे तैयार होने वाला है। हाँ तो चलो गाइस 15 बुक शेल्फ हमने यहाँ पे बना लिए, और गाइस बुक शेल्फ को हमें तोड़ना नहीं है, क्योंकि तोड़ने से वापस नहीं मिलते, वापस हमें 2-4 बुक ही मिलते हैं बस, मतलब 2-4 भी नहीं, 1 या 2 बुक मिलते हैं। तो यहाँ पे साइड साइड में हमें बुक शेल्फ लगाना है, तो इसे बड़ी सावधानी से लगाते हैं। ये कुत्ते इधर आ जाए, तो इधर इसे कुत्ते को यहाँ पे लगा देते, नहीं तो बहुत डिस्टर्ब करेगा। आजा भाई आजा आजा आजा, इसको यहाँ पे बैठा देते, ठीक है। तो ये बैठ चुका है, चलो भाई। और ये है हमारा इंचेंटिंग। अबे यार बुक शेल्फ गाइस, गलती से मैंने यहाँ पे बुक शेल्फ लगा दिया। तो फिर अभी क्या करे, तो इसे तोड़ते हैं, छोड़ो भाई। 3 नहीं हमें 2 मिलते हैं सर, तो चलो 3 ही मिला है, अच्छा है वैसे। और फिर जल्दी से इसे बुक शेल्फ में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे, ये चलो हाँ बन गया। और यहाँ पे गाइस रात भी हो रहा है, तो रात होने से पहले बना लेते हैं, जल्दी से कोशिश करते हैं, नहीं बनने से छोड़ो यार। तो फिर इसको यहाँ पे लगाते हैं पहले, यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, और फिर यहाँ पे एक लगाते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे, फिर इधर पे लगाते हैं ऐसे 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 ऐसे। और अब क्या करना है भाई, अब ऊपर ऊपर में डालने से होगा क्या, 5। और चलो भाई सो लेते पहले, क्योंकि रात हो चुका है, मॉन्स्टर आ गया, तो भाई मार तो देंगे वैसे, लेकिन टेंशन नहीं लेने हमें। तो जल्दी से सुबह कर लेते हैं, और सुबह हो चुका है, और यहाँ पे 4 बुक शेल्फ मेरे पास बचा है। तो 4 को कैसे लगाए मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ, तो 4 को भाई 4 दर्ट को यहाँ पे लगा के देखते कैसे लगता है। और भाई यहाँ पे ऐसे लगता है, ऐसे 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 लगाने से तो बढ़िया होगा, लेकिन इसके लिए हमें बहुत सारा बुक चाहिए, बुक शेल्फ चाहिए होगा। तो यहाँ पे गाइस इस वाले को तोड़ देते हैं यहाँ पे, और इस वाले को भी तोड़ देते हैं, और एक बुक शेल्फ बच रहे गाइस। तो यहाँ पे हम इसे यहाँ पे लगा देते हैं, तब इसका भी ज्ञान निधर जाएगा भाई। तो चलो यार ऐसे लग रहा है हमारा ये जो रूम है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे ना ये लगा देते, क्या बोलते इसे, बर्थ का प्लैंक्स, चलो ठीक है। तो बर्थ का प्लैंक्स यहाँ पे लगाते हैं, फिर इसको यहाँ पे यहाँ पे। और चलो गाइस ऐसा लग रहा है हमारा थोड़ा यार, ज्यादा डिजाइन विजाइन देने से भी अच्छा नहीं लगता है फिर, लेकिन ये इक्वल नहीं हो रहा गाइस, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1। चलो भाई छोड़ यार, तो यहाँ पे देखते क्या क्या बन रहा है हमारा। तो जल्दी से अपने यहाँ पे इसे लगा के देखते हैं, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, शार्पनेस 1 का एक बन रहा है, स्माइट 1 का, और अनब्रेकिंग 3 का। अनब्रेकिंग 3 गाइस बढ़िया है, लेकिन इसके लिए भाई हमें चाहिए होगा एक्सपी। तो गाइस एक्सपी फार्म भी मुझे बनाना होगा, फिर एक्सपी फार्म गाइस हम यहाँ पे पीछे पीछे कहीं पे बना लेंगे। तो यहाँ पे देखो गाइस, अरे खाना खा लेते हैं, जल्दी से बेक्ड पोटैटो खा लेते हैं। तो गाइस अभी ना यहाँ पे हम अपने डायमंड का जो पिकेक्स है, वो पिकेक्स को रख के देखेंगे क्या क्या यहाँ पे इंचेंटिंग हो रहा है हमारा। तो यहाँ पे देखते पिकेक्स कहाँ है मेरा, ये क्या, तो पिकेक्स थोड़ा सा यूज दे, थोड़ा भाई यूज तो हो गई, पिकेक्स तो यूज हो गई ना। तो यहाँ पे फिर इसे रखते हैं, यहाँ पे लैपिस लजुली मेरे पास है कि, अभी भाई मैं तोड़ रहा था, लैपिस लजुली मेरे पास है कि नहीं देखना पड़ेगा फिर। चलो 64 लैपिस लजुली मेरे पास है गाइस, कहीं खुदाई वुदाई में मिल गया होगा, तो जल्दी से लगा देते हैं भाई। लेकिन हमारा ये एक्सपी थोड़ा बहुत जाने वाला है, जाने दो भाई यार। यहाँ पे इसे लगाते हैं, और फिर यहाँ पे लैपिस लजुली को लगाते हैं, और यहाँ पे ये वाला बन रहा है ना हमारा, क्या था इसका, एफिशिएंसी 2। तो एफिशिएंसी 2 को हम यहाँ पे लगा देते हैं, क्या आया है भाई,
भाई हे राम। तो यहाँ पे देखते क्या आया है। चलो भाई बस गाइस हम थक गए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। गाइस बस एफिशिएंसी 2 मिला है और कुछ नहीं मिला है भाई, इतना बदकिस्मत। हाँ तो गाइस हमारे ये पिकेक्स बन चुका है एफिशिएंसी 2। गाइस यहाँ पे फॉर्चून 2, 3 ये सब मुझे चाहिए था। तो यहाँ पे विलेजर कहीं पे देखते विलेजर है कि नहीं, जिससे मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकूं। फॉर्चून मतलब लाइब्रेरियन चाहिए था मुझे। गाइस नीचे थोड़ा बहुत विलेजर है लेकिन ऊपर गाइस विलेजर नहीं है। तो मुझे गाइस नीचे वाले विलेजर को लाइब्रेरियन में कन्वर्ट करना होगा। तो लाइब्रेरियन के लिए गाइस कुछ एक किताब या तो कुछ एक ऐसा टूल होता है, तो टूल देखना पड़ेगा मुझे। लाइब्रेरियन का टूल क्या होता है, उसका नाम क्या होता है? तो भाई ये होता है लाइब्रेरियन का जो काम करने वाला टूल है। तो उसके लिए गाइस मुझे एक बुकशेल्फ चाहिए और बुकशेल्फ के बाद थोड़ा बहुत स्लैब चाहिए। तो बुकशेल्फ तो यहाँ पे मेरे पास था भाई, तो मुझे लगता है इसे तोड़ना पड़ेगा। इस तोड़ ही लेते यार, कुछ नहीं हमारा इंटेलिजेंसी इतना जाने नहीं वाला इससे, तो इसको तोड़ देते हैं। हाँ 3 बुक मुझे मिल चुका है और इसे मैं बुकशेल्फ बना लेता हूँ यहाँ पे। और थोड़ा बहुत स्लैब चाहिए जिससे मैं उसे बना सकूँ। तो बुकशेल्फ के लिए गाइस थोड़ा बहुत वुड चाहिए, तो वुड मेरे पास नहीं है क्या, इतना कंगाल हूँ मैं क्या? हाँ तो बुकशेल्फ यहाँ पे बन गया और फिर थोड़ा बहुत स्लैब चाहिए, तो स्लैब के लिए स्लैब भी बन जाए। ये क्या स्लैब? तो यहाँ पे यहाँ ये गाइस इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है यहाँ पे लेक्टर्न। हाँ लेक्टर्न मुझे चाहिए था लाइब्रेरी में कन्वर्ट करने के लिए विलेजर को। तो यहाँ पे रात हो चुका है, जल्दी से सो लेते। अच्छा मेरे पास यहाँ पे पॉकेट में है बेड, तो मैं भाग क्यों रहा हूँ यार? मैं नहीं बताऊंगा, सो जाते। तो अब जल्दी से चलते वो विलेजर के पास। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो जल्दी से लाइक कर देना गाइस, बहुत ही आपके लिए बहुत ही वीडियो बनाता हूँ भाई मैं। तो यहाँ पे आर्मर का जो जगह है ये है ना, तो इसे मैं यहाँ पे लाइब्रेरी से कन्वर्ट कर देता हूँ, मतलब लाइब्रेरी से बदल देते। यहाँ पे इसे लाइब्रेरी, वो भाई इधर इधर बदल जाए यार, पहले बदल तो जा। नहीं कोई तो बदलो भाई, विलेजर में बदलो। ओ भाई ब्रीड हो रहा है, ब्रीड हो रहा है, चलो अच्छा है। ओ भाई यहाँ पे बच्चा पैदा हो रहा है, चलो भाई हमारा विलेजर मतलब विलेज फिर से यहाँ पे इंसानों से भर जाएगा। वही मैं चाहता था गाइस, मेरे विलेज में यहाँ पे कोई विलेजर नहीं है ज्यादा। तो यहाँ पे दो ये लोग ब्रीड कर रहे भाई। चलो भाई आज कितना, आज 15 नवंबर में तो जन्म हुआ है भाई। 15 नवंबर अबे भाई लेक्टर इतना अच्छा से दिया, ये लोग कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे यार? कन्वर्ट होने में ये लोग को इतना टाइम लगता है। चलो भाई यहाँ पे इसे रख देते। तो यहाँ पे ये या तो कन्वर्ट हो जाए या तो वो कन्वर्ट हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पे अगर नहीं बना रहा तो पूरा विलेज ब्लास्ट कर दूंगा भाई। गाइस आज के दिन हमारा ये नया विलेजर हमारे विलेज पर आया है। तो गाइस कमेंट में जल्दी हैप्पी बर्थडे लिख देना इसके लिए। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर देना, चैनल पे अगर आप न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।